नगर परिषद भिवानी के 31 वार्ड हैं, जिसमें से 15 आरक्षित सीट रहेंगी और बाकी अनारक्षित रहेंगी। जन 100 बूथ बनाए गए हैं। मेरे ख्याल से इस चीज़ पे इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और ये बहुत अच्छा निर्णय है नोटबंदी का, कि कुछ ऐसे भी वोटर हैं जो नोट के चक्कर में भ्रमित हो जाते हैं, तो मैं सैल्यूट करती हूँ नोटबंदी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक नया प्रयोग ये किया है कि जो बैलेट यूनिट पे जहाँ बैलेट पेपर लगता है, जहाँ से मतदाता को अपनी मत का प्रयोग करने के लिए बटन दबाना है, तो हर प्रत्याशी के नाम के और निशान के अलावा उसकी फोटो भी लगाई जाएगी, ताकि एक तरह के दो नाम होने में आदमी भ्रमित ना हो, उसकी फोटो देख के वोट डाल सके। और ये जो मोदी जी अभियान चलाए हुए हैं काले धन के ऊपर, ये एक बहुत अच्छा बढ़िया अभियान है, इसमें जनता को सहयोग करना चाहिए। और प्रत्याशियों के लिए जो 1,00,000 रुपए की समय सीमा रखी है, ये ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। बाकी मैं प्रत्याशियों से एक अपील भी करना चाहता हूँ, जो नगर परिषद भिवानी के अंदर भ्रष्टाचार का जो अड्डा चला हुआ है, जो किसी के नक्शे पास नहीं होते, किसी की असेसमेंट नकल नहीं मिलती, लोग तीन तीन चार चार महीने चक्कर काटते हैं, बंदर पकड़वाने के झूठे बिल बनते हैं, ना शहर में बंदर पकड़वाए जाते हैं, ना आवारा पशु पकड़वाए जाते हैं, हर 5 साल के अंदर शहर में नंबर प्लेट लगवाई जाती है, न कभी 15-20 साल से नंबर प्लेट नहीं लगवाई गई। खट्टर सरकार ने या चुनाव आयोग ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो 10वीं पढ़े लिखे जो है अब की बार प्रत्याशी चुनाव में आए हैं, और मैं सबकी शुभकामना करता हूँ कि अच्छे प्रत्याशी जीत के आए और भिवानी का विकास और भिवानी के वार्डों का विकास हो। जो हालात भिवानी के इस टाइम है, गंदगी पड़ी है जगह जगह, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, और जो सड़कें टूटी पड़ी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, शहर बिल्कुल बुरी दुर्दशा है, कचरा बन चुका है शहर का। तो मैं ये चाहता हूँ सभी प्रत्याशी जो जीत के आए उनसे अपील करता हूँ, भिवानी की जनता और एक सामाजिक सेवा कार्यकर्ता होने के नाते, कि वो जनता की सेवा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से। जो नोटबंदी की जो शर्त लगाई इसमें इलेक्शन में, पैसे 1,00,000 के लिए लिमिटेशन रखी है, मैं तो बोल रहा हूँ लिमिटेशन इससे कम होनी चाहिए। माफिया सुधा है, वो लिमिटेशन रखने के बाद भी पैसे एक्सपेंस करेगा, उसको पकड़ो ने, मैं ये कहना चाहता हूँ उसको पकड़ो। क्या चुनाव मैदान? मैं 9 वार्ड से प्रत्याशी हूँ, मैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ लिमिटेशन तो रख दी, ऐसी CID रखो, ऐसी CBI रखो, जो माफिया है जो फिर भी हरकत में नहीं आता उसको पकड़ो, और एग्जाम्पल दो भैया हमने पकड़ा ये गलत, ज्यादा पैसे लगा रहा था, ये करके दिखाओ। में गफले हैं, लोगों की पेंशन खाई गई है, बुजुर्ग महिलाओं के जो 17-2 साल हो गए उनके मरो की पेंशन खाई गई है। वार्ड की बात, वार्ड नंबर 31 की बात है, दो साल अब ये बैंक में जाने लग गए हैं, तब उन लोगों को बताया गया है तुम्हारी पेंशन है, 2-2 साल की पेंशन खाई गई है लोगों है। और जो हमारा फिलहाल MC था उस पर गबन का भी आरोप है, 2,17,00,000। बाकी वार्ड 18 के निवासियों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो कच्ची गलियां हैं, लाइटें हैं, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, मैं अगर मेरे को मौका मिला तो मैं इनको दुरुस्त, नगर परिषद की तरफ से जो लाल डोरे के बाहर नोट यूज के लिए जो 120 रुपये प्रति गज इन्होंने लगाया था, काफी उम्मीदवारों के तो 70-80 हज़ार रुपये उसी में लग चुके हैं, तो 1,00,000 के अंदर इन्होंने कम किया है, तो काफी उम्मीदवारों को इससे परेशानी। कैंडिडेट पैसे से वोट खरीदना चाहते थे, वोट पैसे से वोट खरीदते थे, उनको परेशानी आएगी। जो पब्लिक से रियल में दिल से दिल जुड़ा हुआ है और पब्लिक उसको चाहती है ना, उसके लिए कोई परेशानी पैसे की नहीं है, न थी न आगे रही। समस्या सबसे बड़ी तो दूसरा उनकी लाइट पानी की समस्या है जी। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं आप? हाँ जी, फर्स्ट टाइम चुनाव। क्या सोच करके चुनाव लड़ रही हैं आप? क्या यही है कि जी वार्ड का विकास हो,